नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीकेबी के स्पेशल सेगमेंट में जिसका नाम है वी द वुमेन और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी। महिलाओं की जब बात आती है तो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, वुमेन इक्वालिटी की, वुमेन इन इक्वालिटी की, फेमिनिज्म की और ऐसे कई मुद्दे। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2022 चल रहा है और इस सिनारियो में भी कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी के मुद्दे कई देखे जाते हैं। आज की जनरेशन में हम लड़कियों को बहुत आगे मानते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलना तो एक पुराना कोट हो चुका है। लड़कियां और महिलाएं आज 4 कदम आगे चल रही हैं, चांद तक पहुंच चुकी हैं और कई क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं, लेकिन अब भी एक तबका ऐसा है जो महिलाओं को एक अलग नज़र से देखता है। अब भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को खुद को प्रूव करना होता है। लड़की घर में पैदा होती है तो हम खुशियां नहीं, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं अरे काश लड़का हुआ होता। क्यों? लड़कियां आपको हर चीज़ देती हैं, प्यार देती है, मोहब्बत देती है, आपको केयर करती है, आपके लिए कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनती है। आजकल तो माँ बाप को लड़कियाँ ही सपोर्ट करती हैं, कहने में मुझे बिल्कुल भी परहेज नहीं होगा और मुझे बिल्कुल भी ये गलत नहीं लगेगा। एक ऐसी शख्स आज हमारे साथ है जिनकी ज़िंदगी में न जाने कितनी परीक्षाएं ली गई सिर्फ एक लड़की होने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक लड़की का जन्म लिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसी कई बार उनके साथ ऐसी चीज़ें की गई, मैं कहूँगी उन्हें मौत के मुँह में धकेल दिया गया, बट वो खुदा और उनकी शायद एक अंदर एक पावर था जिसकी वजह से वो बचती चली गई। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर दीपाली पुट्टेवार। पुट्टेवार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंट्रोडक्शन बनता था क्योंकि महिलाएं तो हर क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कर रही हैं, लेकिन आज एक ऐसा तबका है जहां पर घर में लड़की होने के बाद अफसोस जताया जाता है। इनके घर में भी एक ऐसा अफसोस जताया गया और सिर्फ अफसोस नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो आप अगर जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, आज जैसे ये मुकाम पर पहुँची हैं उस मुकाम से पहले की शुरुआत करते हैं। पुट्टेवार मैडम, मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहूँगी क्योंकि जब बच्चा घर में पैदा होता है तो खुशियाँ कितनी अनेक होती हैं। आपके घर में तो सिचुएशन बहुत अलग थी, सॉरी, बट आपकी जर्नी जानना बहुत ज़रूरी है और उन महिलाओं को प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में जब आपका जन्म हुआ तब कैसा माहौल था? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार कहना चाहती हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ये जो प्रोग्राम करते हो इसके माध्यम से जो भी मेरी जैसी भी महिला है कि एक सिचुएशन के बाद वो हार जाती है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम से ऐसा होता है कि उनमें एक प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और फिर वो भी चाहती है कि नहीं, हम आगे बढ़े। तो इसलिए मैं आपको बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ मैडम। ये तो प्लेजर हमारा है पुट्टेवार मैडम कि आज आप जिस मुकाम पर हैं वो मुकाम आपने हासिल किया है। आज की जनरेशन छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत निराश हो जाती है, अग्रेशन आ जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, ऐसी कई क्राइम्स अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आपके साथ तो क्राइम हुआ है, एक बार नहीं 100 दफ़ा। बचपन से चलते हैं और शुरुआत करते हैं जब आपके घर में आपका जन्म हुआ। मैडम, 3 साल तक तो मुझे कुछ याद ही नहीं था, इसलिए मैं सॉरी बोलूँगी क्योंकि मुझे वो पता नहीं 3 साल के पहले का। लेकिन मेरे ग्रैंडपा 3 साल की थी मैं तब, मुझे नागपुर लेके आए थे और उसके बाद मुझे पता चला, यानी मतलब मेरे मामा मौसी जिनके जो भी मुझे लेके जाते थे अपने घर काम करने के लिए तो या रखने के लिए, तो फिर वो नेबर से जब बातें करते थे तब पता चलता था कि हाँ, इसको तो ये अनवांटेड चाइल्ड है, ऐसे बात करते थे। ज़रूरत नहीं थी फिर भी पैदा हो गई तो, लेकिन फिर भी मैं इतना रिएक्ट नहीं करती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, चलो आगे तो आगे, लेकिन मुझे कुछ बनना है। ये बचपन से मेरी एक ऐसी इच्छा थी कि मैं कुछ बनूं और ये लोग ऐसे बोलते हैं ना कि उनका मुंह बंद कर दूं, ये मुझे बचपन से मतलब कुछ भी एक छोटा सा कागज़ भी मिल जाता था ना तो मैं पढ़ना चालू कर देती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ और तभी से मुझे शौक लग गया था पढ़ने का, नहीं मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना ये नहीं मुझे पता था, लेकिन पढ़ना कुछ करना है। हाँ, बस आगे मुझे कुछ करना है, एक छोटी सी उम्र में पता नहीं रहता ना। लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने मुझे एडमिशन करवा दिया, 3 साल की थी तो 6 साल का बता के,
तो बस वो एक ही एडमिशन है कि जो मुझे हाथ पकड़ के कोई लेके गया और मेरी एडमिशन करवा दी, मुझे वो जो है ना अभी भी मेरे आंखों के सामने आते हैं। मेरे ग्रैंडपा फ्रीडम फाइटर थे, मुझे बहुत प्राउड फील होता कि ऐसे फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। हाँ, जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने कभी, उनको लड़की नहीं चाहिए थी, चाहिए नहीं थी लड़की, मतलब अभी भी उनको लड़कियों से बहुत नफरत है। अभी भी मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, सारे पूरा समाज आता है, मुझे बुलाता है समाज में गेस्ट लेक्चर के लिए, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा नफरत है। इतनी नफरत है कि मैं देखी कि वो चार कदम यानी मतलब मेरे नाम से तो उंगली तोड़ते हैं। इतनी नफरत है कि उनको लड़की नहीं चाहिए, लड़का कैसा भी हो तो उनको लड़का ही चाहिए था। और वो बोलते भी है हमको लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए जी। तो ऐसी सिचुएशन थी। फिर मैं ग्रैंडपा के ही घर रहती थी, लेकिन उस समय मुझे लॉ नहीं पता था। मैं ये इंटरव्यू के माध्यम से इतना बताना चाहती हूँ को जो बेसिक सिलेबस है ना उसमें विज्ञान है, मैथ्स है, लैंग्वेजेस है, लेकिन लॉ नहीं है, जो कि लॉ हर क्षेत्र में जरूरी है, जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि सातवीं आठवीं के एक गर्ल्स के ऊपर अत्याचार हो गया तो वो क्या कर सकती, उसको कुछ भी नहीं पता ना। वेरी ट्रू। तो लॉ होना बहुत जरूरी है। यदि मेरा इंटरव्यू देख रहे होंगे कोई एक्सपर्ट्स लॉ के तो सिफारस होती होंगी तो जरूर कीजिए। मुझे भी नहीं पता था कि मैं जिस घर में रहती हूँ उस पर मेरा अधिकार है। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं किसी के घर में मतलब कोई मुझे रख रहा है और बहुत बड़ा उपकार हो रहा है, इसलिए मुझे उन्होंने जो भी काम बताया तो करना है, ऐसा मेरा बचपन गया है। जितना मुझे पता है पुट्टेवार मैडम, जो पहला हादसा था सात साल का, वो सात साल की थी, सात साल की थी मैं, प्राइमरी स्कूल में थी, वहीं पे गांजा खेत चौक में, गांधी बाग यहीं पे मेरा ग्रैंडपा का मकान है और वहीं पे मंचलवार की स्कूल है, वहाँ पे मैं पढ़ रही थी। तो इन्होंने मुझे 14 जनवरी का दिन था, संक्रांत का दिन, आज भी मैं ना संक्रांत के दिन ना सो नहीं पाती हूँ। भूसे की सेगड़ी थी वो जो पहले जमाने की थी, वो 4 बजे से जलाया था और उसके ऊपर काला पानी का मटका जो पहले होता था हमारे समय में, अभी नहीं देखे होंगे, और उतना उबलता हुआ पानी मेरे नहा के आई और मुझे बोलते कि लकड़ी आगे ढकल करके, मैं लकड़ी ढकलने गई तो पीछे से मुझे इतने ज़ोर से ऐसी लात मार दी ताकि मैं उसके ऊपर गिर गई। पूरे घर में अंधेरा हो गया, वो पानी मेरे आँख के ऊपर, ये जो छाले ऐसे पूरे चेहरा, मतलब वो बात निकलती है ना तो मेरे वो सहनी नहीं होता, पूरा वो पूरा धुआँ, और मैं पूरा जल गई थी और मेरे बदन पे तब कुछ भी कपड़ा नहीं था और वो पूरा पानी गरम गरम और वो पूरा भूसा जलता हुआ, इतना मतलब वो मेरे अभी भी वो पूरी सीन क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद फिर भी ये लोग वहीं पे रहने के बावजूद बिल्कुल नहीं, आवाज़ नहीं किया, कुछ नहीं, जब लोगों को दिखा कि धुआँ है तो बाजू में मेरा कोष्टी मोहल्ला करके फेमस है गांजा खेत चौक में, वो लोग आए दौड़ के, और ढोंगड़ी रहती थी जो बारिश में ऐसे लेते थे पुराने ज़माने में, उसके ऊपर मुझे रखा, आजू बाजू के हॉस्पिटल में लेके गए, नहीं ले रहे थे तो मेयो हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल में मैं 1 साल रही सलाइन पे वो पूरा, और तब पुलिस लोग आए मेरे, मुझे तो कोई देख ही नहीं पाता था क्योंकि जो भी देखता था तो चक्कर आके गिर जाता था, इतनी सिचुएशन। हाँ, इतनी मतलब वो बोलता रहे पूरे, मतलब पूरे जल गई थी मैं, मुझे तो पता नहीं कुछ भी, लेकिन बस थोड़े से कान से सुनाई आ रहा था। और उन्होंने बयान क्या दिया कि इसने खुद जला लिया। अब मुझे 6 साल की थी, मुझे क्या पड़ा था 6-7 साल की थी कि मुझे खुद को जलाना है या, तो बयान दिया लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाई क्योंकि 1 साल तक मुझे बोलना ही नहीं होता था, पूरे ऐसे होठों पे वो जलने के बाद के जो आते हैं ना फोड़े, वो पूरे फोड़े थे। आज भी ये है, मैंने जब नौकरी लगी तो सावजी के यहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद भी कम हुए हैं, लेकिन अभी भी धूप में मैं जाती हूँ तो पूरा वो उसके डार्क्स आ जाते हैं चेहरे पे, बाकी के तो निकल गए लेकिन ये हाथ के और चेहरे के रह गए हैं, धूप में जाने के बाद उसकी जलन होती है। ये पहली इंसिडेंट था आपके साथ जो हुआ, हाँ, आप एक अलग डर सी गई होंगी, आपको कुछ समझ नहीं, क्योंकि उस एज में हम अपनों को गलत नहीं समझते, राइट, मैं शायद गलत नहीं हूं, उस एज में अगर हमारे साथ कुछ गलत अपने भी कर रहे हैं तो हम गलत नहीं समझते, हमें लगता है कि ये तो हमारे खुद के माँ बाप हैं, ये तो हमारे खुद का परिवार है। यस, सेम सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आज इनको मैं नहीं चाहिए हूँ, मैं मेरा इतना द्वेष करते हैं, लेकिन मैं कुछ बनूंगी और मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूंगी तो कभी तो बोलेंगे कि नहीं मेरी बेटी है, बस
वो एक शब्द सुनने के लिए मैं आज तक जिंदा हूँ, ऐसे भी बोल सकते हो। मैं आपकी चीज समझ सकती हूँ, लेकिन वहाँ आपकी जर्नी रुकी नहीं। सॉरी, आंखों में पानी आ जाता है ऐसे केस सुनकर, मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ। वो केस पहला केस था मैम, लेकिन उसके बाद जो जर्नी बदली वो कैसी थी? आपने उसके बाद सोचा होगा कि नहीं मुझे कुछ करना है उसके बाद? एक ही था, पता नहीं था, फैमिली में कोई पढ़ा ज़्यादा लिखा नहीं था, कोई बात नहीं करता था, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद तो कोई मेरे साथ बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं इतनी कुरूप बोलते हैं ना, बहुत डर दिखती थी, पूरे फोड़े फोड़े थे काफ़ी सालों तक, मतलब मेरी तो 25-26 साल 30 साल तक, वो 30 साल की एज होने तक मेरे दाग चेहरा खराब होना, अभी भी यदि मैंने केयर नहीं किया तो मेरा चेहरा पूरा सेंसिटिव है, तो बात ही नहीं करता था। यानी खुद मैं आईने में देखती थी तो मुझे भी खुद से नफरत होती थी कि मैं क्यों जिंदा हूँ इतना जलने के बाद भी, यानी भगवान शायद उठा लेता मुझे, क्योंकि बात ही नहीं करता था। यानी मतलब वो कैसे जिसको बहिष्कृत बोलते हैं ना, उस टाइप से हो गया था। और एक तो मैं लेडीज, कोई है नहीं अपना देखने वाला, तो सारे लोग उससे बस काम है ना। मेरा वैसे सर्टिफिकेट पे नाम दुर्गा है, मेरे ग्रैंडपा ने दुर्गा डाला था, वो बोलते थे तू दुर्गा है, तुझे दुर्गा की तरह जीना है, कभी हार नहीं मानना और आगे आगे जाना है। कभी उन लोगों ने आपका ये नहीं किया कि अगर आपका परिवार आपको इस तरह से व्यवहार कर रहा है तो जो आपके ग्रैंडपा थे, जो आपके दादाजी थे, जो नाना जी थे, इन लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया कि बचाया? हाँ, मेरे ग्रैंडपा तो बहुत अच्छे थे, उनके सामने किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे उनको इतनी गलत आदतें थी कि इनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। अच्छा। हाँ, इनको ये यहाँ रहती नहीं थी, मेरे ग्रैंडपा के सामने खड़ा होना तो दूर, पाँव नहीं रखते थे। लेकिन तब मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे पेरेंट्स भी होते हैं, यानी माँ बाप भी होते हैं जिनका प्यार होता है, ये मुझे कभी मिला ही नहीं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। मेरे बाकी जैसे ब्रदर रहते थे उनके जैसे मैं भी रहती थी। ये था 7-8 साल 9 साल का, 9 साल और उसके बाद मेरे ग्रैंडपा एक्सपायर हो गए। ओके। 120 साल के होके वो एक्सपायर हो गए। मेरे हाथ की जिलेबी खाई उन्होंने, न्यूज़पेपर पढ़ा इतनी एज होने के बाद, और मुझे बोले देख तू दुर्गा है, तुझे दुर्गा की तरह जीना है। आगे फिर कैसी रहा रही, आपने क्या किया और आगे क्या रहा आपका जर्नी? उसके बाद तो मेरा बहुत संघर्ष हुआ, वो जाने के बाद तो कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, जिसके भी घर काम रहता था, कोई प्रोग्राम रहता था काम के लिए, फुकट की मोल करीन उनको मिल गई थी, तो बस रखो एक टाइम का खाना दो और पूरे काम घर की करती है, इस टाइप की जर्नी रही। लेकिन वो भगवान बोलता है ना, कुछ देता है कुछ नहीं देता तो कुछ देता है, तो टैलेंट इतना दिया था, सॉरी मैं तारीफ नहीं करती, लेकिन मैं जो भी एग्ज़ाम देती थी, ज़रूरी भी है, एग्ज़ाम जो भी देती थी तो फुल में से फुल मार्क्स मिलते थे। और मैं रात को पढ़ाई करती थी 2 बजे, अभी भी मुझे आदत है कि 7-8 बजे मुझे नींद आ जाती है और 2 बजे उठती हूँ और वो पढ़ाई, और एक ही रीडिंग में मुझे सारा याद रहता है। मतलब कोई भी किताब दे दो और रात भर में पढ़ लूँ तो दूसरे दिन एज इट इज़ लिख सकती हूँ, तो ये भगवान का शायद मुझे गिफ्ट है, मैं उसका शुक्रिया अदा। आपने मुझे बताया और जिस तरह से हमारी बातचीत हो रही थी, तो आपने स्कूल की शिक्षा अच्छे से प्राप्त नहीं की, लेकिन कॉलेज के बाद आपने धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करी। स्कूल तो आपका ऐसी जर्नी रही कि बहुत तकलीफ भरी रही, वो पढ़ाई की जो आपकी चाह थी वो आपने किस तरह से हासिल की? नहीं, स्कूल की तो मुझे एग्जाम देना ही था, तो एग्जाम देने के लिए मुझे टीचर का काफ़ी सपोर्ट मिला। ऐसे गुरुओं को तो मैं सबसे पहले वंदन करना चाहती हूँ कि जो मेरे लाइफ में आए, क्योंकि उनको पता था कि बेशक स्कूल में नहीं आती है लेकिन एग्जाम में से फुल टॉपर ही रहेगी ये। तो मुझे यानी मेरी फीस भी वही भरते थे और अगले अगले स्कूल में मैं अपने आप जाती थी, इसलिए मुझे एडमिशन का कभी प्रॉब्लम नहीं आया, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और जो बच्चों के जो बुक्स थे ना वही मुझे देते थे बुक्स, उसके रफ कॉपी बना के मैं, और मैं जब भी स्कूल में जाती थी कभी तो मैं ही खुद पढ़ाती थी मैथ्स वगैरह साइंस वगैरह स्टूडेंट को, मेरे टीचर बैठ के देखते थे कि कैसे पढ़ा रही करके। हाथ से एक बार नहीं हुए, कई बार हुए, ये क्यों? एक हादसे से कोई सीख जाता है, आपके दूसरे हादसे को कितना वक्त था? अगर हम एक हादसे और दूसरे हादसे का गैप देखें, ऐसे छोटे बड़े तो बहुत हुए लेकिन जान तक नहीं, वो एक ही हुआ। उसके बाद 24 इयर्स की थी जबकि मुझे ऑलरेडी 18 साल में नौकरी लग चुकी थी गवर्नमेंट,
नौकरी करने के बाद मैं अपने एक भाइयों को पूना में सेटल करके आई थी। इंजीनियर हो गया था वो, IIT इंजीनियर, एक मेडिकल कर रहा था इतना। और मैं अपने ग्रैंडपा के घर में रह रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते थे, वो पारडी में रहते थे दूसरी तरफ, वो कभी यहाँ आते ही नहीं थे। बस एक आए, एक 15-20 दिन रहे, रहने के बाद इतना हंगामा किया, बहुत गंदी गंदी बातें करी, मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा, बहुत ही गंदा। कहाँ जॉब करती थी आप? मैं MSRTC में थी, RTO ऑफिस में थी। आपने कंडक्टर का भी जॉब किया हुआ है? हाँ, पहले विदर्भ की। दौर में जरूर जानना चाहूंगी पुट्टेवार मैडम, मैंने आपके बारे में पढ़ा है, और महाराष्ट्र की पहली महिला कंडक्टर थी। हाँ, यस। और खैरे जी, चंद्रकांत खैरे जी, उन्होंने आपको सम्मानित किया था। सम्मानित किया था, और लेकिन वो भी समझ में नहीं आया था मुझे। लेकिन कंडक्टर की जॉब उस टाइम में भी बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा, और मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां महिलाएं काम तो कर रही हैं लेकिन उन्हें नज़रिया वो नहीं मिल रहा, उन्हें खुद को प्रूव करना पड़ रहा है। वहां पर भी कई तकलीफें आपके पास हुई, तब आपको ये जॉब छोड़नी पड़ी, ऐसा क्या दौर था वो? जेंट्स लोग को कई प्रॉब्लम था मैडम, क्योंकि वो 10 साल का तो जीरो बजट था उस समय मैं जब लगी, तो मेरे जो सीनियर थे और मैं जब लगी तो 15-20 साल का डिफरेंस, इतने बड़े थे फिर भी नहीं कि उनका देखने का नज़रिया। और वैसे भी मैं पहली लेडीज़ थी ना, तो ये सिचुएशन आने वाली थी, हर कोई देखता था कैसा लग रहा है, हर कोई पूछता था, तो मुझे अच्छा लगता था, मैं बताती थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जॉब में मैडम, सही में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि मैं घर में किसी के घर जाती तो मुझे बर्तन मांजना पड़ता था, 6-6 कमरे के झाड़ू पोछा, मामा के घर थी तो जो गैया थी उनके गोबर उठाना, इतना सारा करने के बाद 2-3 बजे दोपहर के 2 रोटी मिलती थी, वो भी बासी रोटी मिलती। उससे अच्छा ये मुझे काम कठिन नहीं लगा, लेकिन काम करते करते जो सिचुएशन आती थी कि एक लड़की कंडक्टर की जॉब कर रही है, और फिर पूछते थे, अरे मैडम हम तो डोनेशन देके आए, आपको डोनेशन भी देना पड़ा? मैं बोले उसमें क्या है, नहीं देना पड़ा। फिर तब मैं सिर्फ 12th थी, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैं MPSC क्लियर किया मैंने, BDO के लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन तब भी मैं 5-6 दिन जा पाई, और उसके बाद भी घर वालों ने नहीं जाने दिया। RTO में भी लगी, वहाँ पर भी नहीं जाने दिया, जॉब छोड़ना पड़ा। इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी तो मैंने बोल दिया कि मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ, मैं जॉब पर जा रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है, मुझे आगे पढ़ना है। नहीं बोले तू जाती है तो कुछ तो भी गलत कर रही है, मतलब गंदे गंदे वर्ड्स बोलते थे जो मुझे अभी बताना सही नहीं लगेगा, बहुत ही गंदा 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 बोलते थे, और जो कि ना मुझे ये गंदे वर्ड से ना बहुत सख्त नफरत है, मैं नहीं चाहती कि इस तरह का लांछन लांछन लगाए, या क्योंकि हम बाहर जब निकलते हैं ना तो हमको देखने वाले हजारों लोग होते हैं, बहुत ही संभल कर हमको रहना पड़ता है, जॉब में बोलो या एजुकेशन में बोलो, इतना आसान नहीं होता। और जहाँ पर अकेली लेडीज है, पूरे महाराष्ट्र की पहली लेडीज है, तो उसको देखने वाले भी बहुत लोग रहते, उसका इंटरव्यू लेने वाले भी रहते, तो क्या मैं सही में किसी से बात भी नहीं कर पाती, सही में मैं मेरे सहयोगी से भी बात नहीं कर पाती थी। और दूसरा था, मुझे जब भी थोड़ा सा बहुत भी समय मिलता था तो मेरी किताबें साथ में रहती थी, क्योंकि मेरी एग्जाम भी सर पे रहती थी, एक एग्जाम दी तो दूसरी दूसरी तीसरी, क्योंकि मुझे क्लास 1 के पोस्ट पे तो जाना ही था, मेरा तय था, यदि मैं जीऊँगी तो क्लास 1 के पोस्ट पे रहूँगी, नहीं तो उससे अच्छा भगवान लेके जाए तो और भी अच्छा है। पुट्टेवार मैडम इतना अच्छा काम कर रही थी, आपने अपनी चीज़ों को हासिल किया, आपने जॉब करी, जॉब छोड़ी, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब आपने खुद अपने जीवन को समाप्त करने की सोची, ऐसा क्यों? लोग आपके जीवन को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब आपने हार मानी, ये दौर क्यों आया? नहीं, हार नहीं मानी थी मैंने जी। मैंने जॉब तो छोड़ दिया, लेकिन मुझमें बहुत पैशन था कि मुझे तो कुछ करना है, तो हमारा गांजा के चौक है, इतना मार्केट एरिया इतवारा, और एकदम रोड पे मकान है, तो मैंने मेरे छोटे भाई को मेडिकल स्टोर्स डालने में हेल्प की, पूरा उसका पैसा, उसका मार्केटिंग मैं खुद करती थी, मेरा कॉमर्स होने के कारण मुझे बहुत अच्छा नॉलेज था, तो पूरा सपोर्ट। और वो अपना हॉस्पिटल से आने के बाद वो बाकी का रात को वो संभालता था, मॉर्निंग में मैं संभालती थी। मैंने सोचा मैं बाहर जाती हूँ इसलिए लांछन लगते हैं ना, तो जाने दो ना जॉब, मुझे जॉब का इतना कुछ भी यानी मतलब बचपन से इशू नहीं था, लेकिन मैं अपना करियर अच्छा बनाऊँ, मैं 10 लोगों को जॉब दे पाऊँ, ये मेरी सोच थी उस समय भी, लेकिन जॉब लगते गए मेरी किस्मत से वो बात अलग है, और मेरा हार्डवर्क से, लेकिन मैंने दोनों तरफ जॉब नहीं तो ये नहीं तो मैं इंडस्ट्री डालूंगी या एंटरप्रेन्योर बनूंगी,
100 लोगों को काम दूंगी, ये भी मेरी सोच थी, क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं होता। और आज भी मेरा काम, मेरी सोच वही है। मैं बच्चों को ये बताती हूँ, एक तो बनना है तो क्लास वन ऑफिसर बनो, प्रोफेसर बनो, या तो एंटरप्रेन्योर बनो, ऐसा एंटरप्रेन्योर बनो, इंडस्ट्रियलिस्ट बनो कि 100 लोगों को आप काम दे सको, क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं होता। और तभी भी मेरी सोच ऐसी नहीं थी। 24 इयर्स की थी, मैं अपने भाई के साथ अच्छे से शॉप संभाल रही थी, मेडिकल स्टोर। क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, उसके मम्मी पापा आ गए और मुझे बस गंदी गंदी गाली दी, मैंने नहीं सुना तो मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। लेकिन इस बार मिट्टी का तेल डाल दिया और माचिस की लकड़ी लगा दी, तो मेरे नीचे से वो जो सलवार सूट पहना था आधा ऐसा जल गया, जल गया। पुलिस लोग वहीं पे खड़े थे गांजा के चौक में, काफ़ी सारे वो सरेआम, हाँ सरेआम, सारे पूरा समाज है वहाँ पे, मेरी पूरा बुरुड़ समाज वहाँ पे है खड़ा, यानी मतलब आजू बाजू में सबकी फैमिली में, यानी सबकी फैमिली वहाँ रहती है, 50-100 मकान है वहाँ पे। मैं समाज में रहती थी, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिटी या गंदा काम किया, किसी के साथ भाग गई, कुछ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। मैं घर में रह के शॉप संभाल रही हूँ, और इन्होंने आंगन जो होता है ना परिसर अपना प्रीमाइसेस, वहाँ पे उन्होंने मेरे आंग के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। मैं भागी तो मुझे वो लकड़ी माचिस की तीली लगा दी, वो जल रहा था तो लोग दौड़ के आए, लेकिन बीच में कोई नहीं आया। अच्छा, इन्होंने ऐसी दीवार थी, दीवार के ऊपर मेरा सर मार दिया। थोड़ा सा मुझे ऐसा बेहोशी जैसे लगने लगा, मैं खुद को संभाल नहीं पाई, और उन्होंने माचिस की वो कैसे लगा तो पता नहीं, जलने लगा तो पुलिस लोगों ने आके वो बुझाया और सीधा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन, गांधीबाग पुलिस स्टेशन लेके गए। लेके गए तो फिर बोले ये ऐसा कोशिश की तो इनको डायरेक्ट जेल में डालना पड़ता है, वहाँ के इंस्पेक्टर बोले। तो मैं बिल्कुल समझ में नहीं पा रही, बात ही नहीं कर रहे थे, क्या करना है बोले, और वो लोग बोल रहे थे कि हमको जेल जाएंगे लेकिन ये नहीं चाहिए हमारे यहाँ। अच्छा, वो इंस्पेक्टर के सामने भी बोल रहे, उनको बहुत डांट रहे इंस्पेक्टर कि लड़की को तुम जला नहीं सकते, आपको बहुत बड़ी शिक्षा हो सकती है। तो बोले हम जेल में जाएंगे, वहाँ पे बैठ के खाएंगे, लेकिन ये नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर मुझे पूछते कि कैसे करना है, और तब मैं ग्रेजुएट थी, नौकरी पोस्ट पे थी, और मुझे सारा तमाशा नहीं चाहिए था, और मुझे इतना पता था कि मैं सेल्फ डिफेंड हूँ, मैं कुछ भी करके रह सकती हूँ, लेकिन इनका कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मेरा खुद का मकान था, मेरे पैसे से लिया हुआ, सारी प्रॉपर्टी थी, उसमें फर्नीचर था, सब मैंने बनाया था। लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, इनको जेल में मत डालो, इनको छोड़ दो, इनको मैं ही नहीं चाहिए ना, तो जाने दो ना, वही के वही मैटर सॉल्व कर देते हैं। तो बोले लेकिन ये फिर से होगा, क्योंकि आपका हमेशा कहीं है। तो मैं बोली ठीक है, तो मैं बोली नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी भी जो प्रॉपर्टी वो भी इनको दे देती हूँ, जो मेरी खुद की है स्त्रीधन, और जो मेरी खुद की सर्विस की थी प्रॉपर्टी वो भी मैंने छोड़ दी, और एक पाव भी चप्पल, पाव में चप्पल भी नहीं थी, और आधा ड्रेस पे मैंने मकान छोड़ दिया, और जला हुआ ड्रेस पे। अच्छा, वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकली तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सीधा गई गई कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, हाथ में कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं था, सीधा गई मैं रेलवे स्टेशन। 2 दिन तक वैसे ही बैठी रही, उन किसी को लगा होगा कि ये भिखारी है करके। फिर एक ट्रेन आई, ट्रेन में बैठ गई, वो ट्रेन गई वापस है, तब पता चला कि ये तो जम्मू कश्मीर जाके फिर से नागपुर जा रही है, नागपुर जा रही है। तो फिर इतनी जलन हो रही थी ना, मेरे पूरे बदन में जलन हो रही थी, क्योंकि 5-6 दिन से मेरे इतू सा अन्न का दाना भी नहीं था, और पानी भी नहीं था, और धूप काला के दिन थे, यानी मतलब मैं रो भी नहीं पा रही थी, किसी को बता भी नहीं पा रही थी, तो इतना जलन हो रहा था कि एक देखा देखा मैं बोली अभी नागपुर तो नहीं जाना, नागपुर से मुझे बहुत, क्योंकि फिर से मेरे भाई लोग लेके जाएंगे, और फिर से वही हादसा, और इस बार जलना नहीं था, क्योंकि जलना मतलब चेहरा खराब होता है ना, जब चेहरा देखते हैं ना तो कोई बात नहीं करता ना, तो वो अपने आप में ना काले पानी की शिक्षा बोलते ना, जज वो दे दे लेकिन ये वाली शिक्षा नहीं पुराती। तो फिर मैं एक ऐसा पानी का बहुत बड़ा शायद वो रिवर होगी, तो मैं कूद गई, मुझे कुछ भी पता नहीं कूदने के बाद। लेकिन जब होश आया तो कुछ मछुआरे थे, गांव के लोग थे, उन्होंने पैसे कलेक्ट कर रहे, मुझे पूछा, लेकिन मैंने बताया नहीं मैं नागपुर की हूँ करके। तो फिर लेकिन मेरी लैंग्वेज से वो समझ गए कि ये नागपुर की है। पुलिस लोग भी वहाँ आए, बोले नहीं, बोले ये लड़की अच्छी, इसकी टोनिंग से अच्छा लग रहा कि अच्छी क्वालिफाइड है, कुछ हुआ होगा तो मैं नागपुर लेके जाके छोड़ता हूँ। तो फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे रेलवे स्टेशन पे फिर से छोड़ दिया। अच्छा, लाके, और उन्होंने जो पैसे कलेक्ट किए थे 100 रुपये 100-150 ऐसे पूछते मेरे हाथ में चिल्लर, तो उन्होंने दिए बिल, बेटा ये रखो और अपना खुद का देखो। तो तब मैंने 2 गाउन लिए आते आते ही, एकदम 25-25 रुपये वाले फुटपाथ के, और डायरेक्ट थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करके डायरेक्ट सीए का ऑफिस ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि मेरा सीए इंटरमीडिएट ऑलरेडी हो चुका था, मैं सीए भी कर रही थी साथ साथ में, नौकरी के साथ साथ। अच्छा। और मेरा
ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका था, एम कॉम कर रही थी, तो सीए कॉफी ज्वाइन किया तो बोले जॉर्ज कुरियन सर है, अभी भी है 85 ईयर्स ओल्ड, वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मैं उनको अपने फादर की तरह मानती हूँ, बहुत ही अच्छे हैं। तो उन्होंने बोले बेटा तेरे पास सर्टिफिकेट नहीं, मैं बोली सर बस आपको जो लगता है साफ़ सफाई का काम कुछ भी दे सकते हो, कितना पढ़ी हूँ, मैं बोली सर ग्रेजुएट हूँ सर, डॉक्यूमेंट्स का है, मैं बोली नहीं है सर, लेकिन बस मैं कुछ दिनों में आपको ला के दे सकती हूँ जी। तो 2-3 दिन ज्वाइन किया और फिर उसके बाद सर बोली मुझे एडवांस दे दीजिए, अब भी तो ज्वाइन हुए, बोले सर कुछ प्रॉब्लम्स है आप प्लीज़ समझिए ना, मेरे पेमेंट में से काट लीजिए। जैसे ही उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए, मैंने पहले यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में गई, कमला नेहरू यूनिवर्सिटी, कमला नेहरू महाविद्यालय से मेरा एजुकेशन हुआ है, वहाँ से रोल नंबर लिए, यूनिवर्सिटी में गई, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलते हैं, सारे मेरे सर्टिफिकेट अभी भी डुप्लीकेट्स है, और ये अच्छी प्रोविजन है, मतलब कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं रहे तो अपने को मिल जाते हैं, और मेरा क्लियर था, कुछ ऐसा फेब्रिकेटेड नहीं था, इसलिए मुझे कुछ डर भी नहीं था। तो उन्होंने तुरंत मुझे दे दिए और वो मैंने उसके जेरोक्स निकाल के सर को दे दिए। उसके बाद बोलते आप सिर्फ ग्रेजुएट तो नहीं हो, बोलते आपका इतना अच्छा ऑडिट है, मतलब वर्क भी अच्छा करती हो, बोली हाँ सर है, लेकिन उसके लिए मेरे पास फिलहाल कुछ भी प्रूफ नहीं है। इसलिए आप सिर्फ ग्रेजुएट समझ कर ही मुझे जो काम देना है दे सकते हो। तो उन्होंने उसके बाद मुझे बस ऑडिटर का काम दिया, और जैसे जैसे मेरा उन्होंने देखा वर्क, तो उसके बाद कभी उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट नहीं पूछे। अच्छा। हाँ, और मुझे पूरा ऑफिस मतलब संभालने के लिए दे दिया करते थे, लेकिन तब मैं फिर वहीं पे रहते रहते मैं नेट सेट की एग्जाम देने लगी, बीएड भी किया, पीएचडी भी मेरा चालू था उसी समय, इतने मतलब दौर से निकल कर, हाँ निकल के बस 1-2 महीना ही हुआ था ऑफिस ज्वाइन किया, तो इधर तुरंत मैंने फटाफट एडमिशंस ले लिए, फॉर्म भर दिए, क्योंकि जीना है तो अच्छे से जियो। ये प्रेरणा कहाँ से मिली, जब एक मोमेंट आया जब आप सब कुछ छोड़ के निकल चुकी थी, ये अचानक प्रेरणा, क्योंकि आज की जनरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे जीवन की प्रेरणा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मैं 9वीं कक्षा में थी, 8th या 9th कक्षा में रही होंगी, तो मुझे आदत थी कि जो भी कुछ मुझे मिलता है आजू बाजू का स्क्रैप जिसे बोलते हैं, तो वो बेच देती थी, क्योंकि मुझे 1-1 रुपया बहुत कीमती था, किताबों के लिए, पेन के लिए, पेंसिल के लिए मिल भी जाते थे, फिर भी मेरे भाइयों को भी लगता है, मुझे भी लगता है, तो मैंने वो स्क्रैप बेचा, पेपर्स वगैरह, और वहाँ पे एक छोटी सी किताब थी, तो उसके कुछ पन्ने फटे हुए थे और कुछ पीछे के भी पन्ने फटे हुए थे, आज भी मैंने वो किताब संभाल के रखी, इतनी सी थी वहाँ पे, और जब मैं पढ़ने लगी तो उस स्क्रैप वाले को बोली भैया मुझे किताब आप कितने में दोगे, जितने पैसे हो गए वो स्क्रैप के वो रख दीजिए और मुझे किताब दीजिए। वो बोले ये तो मुझे ऐसे ही फुकट में मिली, आप रहने दो। तो मैं बोली नहीं इसका 1 रुपया लो, 1 रुपये में मैंने वो किताब खरीदी, और वो 1 रुपये की किताब ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। वहाँ पर लिखा था बाबा साहब आम्बेडकर ने सिक्का संगठित हुआ, सिक्का संगठित हुआ आणि पूर्ण समाजाला घेऊन पुढे जा, आणि तुम्ही शिकाल तर तुमची उन्नती होईल, असं त्यांनी मराठीत लिहून ठेवलेलं होतं, आणि त्या वाक्याच्या प्रेरणेनेच मग मला कळलं की नाही शिकायचं आहे, काय शिकायचं हे माहीत नव्हतं, शिकायचं पण शिकायचं आहे, काहीतरी करायचं आहे, काहीतरी करायचं आणि इतकं शिकायचं आहे की शेवटची डिग्री मला घ्यायची आहे। तो क्या हुआ था कि मैं 9वीं में थी, मुझे पता नहीं था कि मैं 10वीं कर पाऊंगी कि नहीं, मेरी जब भी मैं सोचती था दिमाग में एक ही रहता था कि मैं अगले क्लास के एग्जाम दे पाऊंगी क्या, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे स्कूल में नहीं जाने देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, कब मुझे मारेंगे और कब क्या करेंगे मेरे साथ, एग्जाम रहती थी तो उसके 1-2 दिन पहले मुझे वो झाड़ों से मार पड़ती थी मेरे पीठ पे पूरे, और मैं रोते रोते बेड के नीचे मतलब रोते रोते सो जाती थी, वो कुछ भी नहीं था, फर्सी रही या मिट्टी का था पहले उसमें सो जाती थी, फिर एग्जाम आई है करके उठती थी और एग्जाम देने भागती थी, क्योंकि दिमाग में एक ही था कि बाबा साहब की प्रेरणा थी मेरे साथ में और वही मेरे गुरु है सबसे पहले। पुटेवार मैडम इतनी उनको तो मैं रही है, आज आप एक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, इतने बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, आगे आप प्रोफेसर बनना चाहती हैं और आगे भी अब भी आपकी चाह है कि अब भी आप पढ़ के अटेम्प्ट करके आप उस पद पर क्या आगे करना चाहेंगी आप? ये तो हमारे फील्ड में कैसा है ना, जितना हमारा वर्क होता है उसके पॉइंट्स मिलते हैं,
तो पॉइंट्स के हिसाब से असिस्टेंट से एसोसिएट अभी मेरा एसोसिएट का है अच्छा। और उसके 3 साल बाद प्रोफेसर का होता है, उसके लिए रिसर्च पेपर वगैरह बुक्स लिखना पड़ता है। तो ये वर्क मेरा शुरू रहता है, मैं कंटिन्यूसली करती रहती हूँ। हर साल मेरा एक टारगेट रहता है कि जब भी छुट्टी मिले तो छुट्टी में मुझे एक तो भी रिसर्च पेपर लिखना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ज़्यादा सोशल वर्क पर यानी मतलब जो भी कोई महिलाएँ हैं कि मेरे जैसी घर से निकल चुकी है तो उनको मैं अपने घर में लाती हूँ, अच्छा खाना खिलाती हूँ। लेकिन वो इतना मेंटली डिस्टर्ब रहती है कि वो भी क्या बात करी उनको भी समझ में नहीं आता। जो भी उनके साथ घटनाएं हुई है ना तो बार 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 10 बार 15 बार वो हुई। कभी कभी दिमाग तो खराब होता है लेकिन मुझे पता है कि वो होता है ऐसा होता है, क्योंकि कितने बार भी बताए तो उनको वो फिलहाल इतनी मेंटली डिस्टर्ब रहती है कि उनको समझ में नहीं आता। तो लेकिन एक दो दिन सुनती हूँ फिर एक दिन बोलती हूँ तुझे करना है कि नहीं, जीना है कि नहीं, मरना है क्या, चल मैं तुझे लेके जाके फिर से छोड़ के आती हूँ। फिर वो संभल वो थोड़ा सा आती है, फिर बोलती नहीं मैडम हमको करना है, हमको अपने पाँव पे खड़ा होना है। तो फिर सीए करते करते काफ़ी सारे ऑडिट किए थे, तो काफ़ी सारी कंपनियों के ना एचआर वगैरह मेरे पहचान के है या कंपनियां पहचान की है। मैं अभी भी स्टूडेंट को फील्ड विजिट के लिए लेके जाती हूँ तो मेरी पहचान अच्छे से हो जाती है। अभी मैं 2 मार्च को लेके गई थी मशरूम प्लाइलेट फॉर भंडारा में। यहाँ मैं यही पूछने वाली थी, इतने बच्चे हैं और आज की जनरेशन खासकर बहुत जल्दी फेलियर को हैंडल नहीं कर पाती, आप इतने स्टूडेंट्स को हैंडल करती हैं, क्या कहना चाहेंगी हमारे उन दर्शकों से, उन महिलाओं से, उन यंग जनरेशन से जो एक छोटे से फेलियर को हैंडल नहीं कर पाती और बहुत जल्दी निराश हो जाती है? नहीं, मेरे कांटेक्ट में आएंगे वो तो निराश नहीं होंगे, क्योंकि मैं उनको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट करती हूँ, उनको अपने पाँव पे खड़े होने के लिए प्रेरित करती हूँ और उनको ये समझाती हूँ जीना है ना स्वाभिमान से जियो, सेल्फ डिफेंड, पहले सेल्फ डिफेंड बनो और आप में है ना कर सकते हैं ना, अरे जिसको हाथ नहीं है वो भी कर सकता है, पाँव नहीं है वो भी अच्छे से क्लास 1 पोजिशन पे, और नहीं नौकरी मिली तो एंटरप्रेन्योर्स है वो, उनको वो मेरे पास सारे वीडियो है, मैं लेख लिखती हूँ तो वो बताती हूँ उनको, तो वो भी संभल जाते हैं। मैंने 28 महिला को अभी तक जीवन दान दिया है, मतलब वो घर छोड़ के गई थी रात को 12 बजे 1 बजे और मुझे जैसे ही फ़ोन आया, मेरा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, रात को कभी भी फ़ोन करो, मैं वहाँ सूरावर्दी तालाब में गई और एक लेडीज़ अपने 2 लड़कियों को लेकर सुसाइड करने बोले, मैं बोले क्या हुआ तुमने, मैंने तुमच्या भावाने आम्हाला घराच्या बाहेर हाकलून दिलं, आणि मतलब जो जेंट्स आहे ना मी उनको भैया बोलती हूँ, मुझे दीदी बोलते, तुमच्या भावाने घरातून हाकलून दिलं आम्ही कुठं जावं, म्हटलं का बरं माझ्या भावाने हाकलं माझं घर आहे ना, चला तुम्ही पहिले माझ्या घरी लेके आई उनको, उनका सुना पूरा स्टोरी क्या हुआ क्या नहीं, और दाल चावल तो मैं लेके आती, मैं बोली मुझे भूख लगी अब बनाओ बनाओ, बोली मुझे खिलाओ थोड़ा सा और आप लोग भी खाओ, क्योंकि उस बहाने क्या होता जब काम करते तो थोड़ा सा मेंटली वो हो जाते डिस्ट्रैक्ट हो जाते। आप हमारे दर्शकों से क्या कहोगी, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन ही है, इसीलिए मैं आपकी स्टोरी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? कभी हार नहीं मानना, सबसे पहले हार तो मानना नहीं, अरे एक जिसको कुछ भी नहीं है वो भी बहुत कुछ करके दूसरों को सहयोग करते हुए, हमारे कॉलेज में मैं देखती हूँ स्पेशल चिल्ड्रेन है, खुद भी करते और दूसरों को सपोर्ट करते, अरे हमको तो भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, 2 हाथ 2 पांव सब कुछ देने के बाद हम क्यों हार मानें, सिचुएशन तो आती जाती रहती है और यदि परिस्थितियाँ आएगी नहीं तो सुख का इम्पोर्टेंस समझेगा कैसे नहीं? समझेगा। थैंक यू सो मच पुष्पा मैडम आपके समय के लिए, और इनकी स्टोरी जानकर शायद आप समझ चुके होंगे कि आज की जनरेशन जब भी कुछ करना चाहती है तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ इकट्ठा करती है। एक छोटे से काम के लिए उन्हें मोबाइल फ़ोन चाहिए, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, एंड ठीक है ज़रूरत के साथ समय के साथ ये सारी ज़रूरतें पूरी होनी भी ज़रूरी है, लेकिन आप उस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझिए और अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। एक छोटा सा फेलियर आपको हरा नहीं सकता, फेलियर्स और सेटबैक ज़िंदगी में हर किसी के आएंगे, मेरे भी आते हैं, आपके भी आते हैं, मुझे भी ऐसी कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे लक्ष्य पे हमारा डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, फेलियर से हारने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अपने आप को इंस्पायर करते रहिए, ये मत सोचिए कि कोई आपको मदद करेगा, कोई आपको किक दिलवाएगा, कोई आपको इंस्पायर करेगा, खुद को इंस्पायर कीजिए, खुद के लिए जिए, खुश रहिए। देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार। आप सबको मैं भी धन्यवाद कहना चाहूँगी, और देखिए हमारा गोल यदि सही है, यदि हमने सोचा है कि हमको करना है
तो जो बचपन में मुझे जिन बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रेरणा दी थी, देखिए आज मेरी किस्मत वही होली लैंड पे मुझे शिक्षा दान का कार्य करने के लिए लेके आई है। यानी मतलब हमारी किस्मत बदलती है, इसलिए हारना तो नहीं है, हमको बस करते रहना है। क्या होगा ये मत सोचिए ना, होगा क्या, अच्छा ही होने वाला है, बुरा तो होने वाला नहीं। इसी संदेश के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया और हमारे समाज में जो भी महिला है, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि वो भी प्रेरित हो और आगे जाए। और यदि हाँ किसी महिला को कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत है सुसाइड करने से पहले, मुझे मिलिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।